हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के एंडोवमेंट प्लान, जिसे आप संतोष प्लान के नाम से जानते हैं, की डिटेल को हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब ये एक एंडोवमेंट प्लान है, तो हमें पता है कि सम अचॉर्ड के साथ में बोनस का बेनिफिट मिलेगा, और बोनस जो होता है वो हर साल वित्तीय वर्ष के अंत में अनाउंस होता है, ये चीज हम जानते हैं। तो मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होगा जी? सम अचॉर्ड के साथ में बोनस मिल जाएगा। डेथ बेनिफिट क्या होगा जी? सम अचॉर्ड के साथ में बोनस मिल जाएगा नॉमिनी को। मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा और डेथ केस में नॉमिनी को मिलेगा। बोनस कब तक कैलकुलेट किया जाएगा डेथ केस में? जब तक व्यक्ति जीवित है और इंश्योरेंस कंपनी को जब तक इन्फॉर्म किया है, वहीं तक ही बोनस कैलकुलेट किया जाएगा, जिसे आप कह सकते हैं डेट ऑफ डेथ तक, राइट। बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले जानेंगे एंट्री एज लिमिट। यह प्लान 19 साल से लेकर के 55 साल के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। बात आती है मैच्योरिटी एज का, तो मैच्योरिटी एज से आप समझ जाएंगे कि पॉलिसी टर्म कितना होगा। जैसे कि मान लीजिए 30 साल की उम्र है और आप चाहते हैं 35 साल की उम्र पे आपको मैच्योरिटी मिले, तो 5 साल का हो गया यहाँ पे पॉलिसी टर्म। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपकी उम्र 30 साल की है और आप चाहते हैं 60 साल की आयु पे मैच्योरिटी लेना, तो ऐसे में पॉलिसी टर्म हो जाएगा 30 साल का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एज लिखी हुई है। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। बात आती है यहाँ पे सम अशोर्ड की, तो कम से कम 20,000 रुपए के सम अशोर्ड से आप ये प्लान ले सकते हैं। अधिकतम 50,00,000 रुपए का लिमिट है। मोड ऑफ प्रीमियम सालाना, छमाही, तिमाही, मासिक आपको मिल जाता है। मासिक प्रीमियम पे करते हैं तो ऑटो डेबिट ही होता है अकाउंट से। बात आती है प्रीमियम की, तो वो निर्भर करेगा कि आपने पॉलिसी टर्म कितना लिया और आपका सम अशोर्ड कितना है, उसी के आधार पे मिनिमम प्रीमियम निकल के आएगा, ठीक है जी। अब क्योंकि ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, तो ये हर किसी के लिए तो होगा नहीं, राइट। तो जब आप सर्च करते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए कौन एलिजिबल है, तो कंपनी ने खुद अपनी वेबसाइट पे जानकारी दी हुई है, जो हमें स्क्रीन पे नजर आ रही है। कंपनी कहती है कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, या आप एक किसी ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग आती है, या आप किसी सरकारी यूनिवर्सिटीज में या शैक्षणिक संस्थान में जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उसमें काम कर रहे हैं, नेशनलाइज्ड बैंक में आप काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या आप एक ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं जिसमें सरकार की सहभागीदारी है, तो भी आप ये प्लान ले सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, यानी कि लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर में, तो भी आप इसका ये जो प्लान है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का संतोष प्लान आप ले सकते हैं, ठीक है जी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें पता चल गया, यहाँ पे बेनिफिट हमें पता ही है। अब हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं, जिनकी आयु 30 साल की है, वो केवल 5 साल के लिए एक प्लान लेना चाहते हैं। तो ऐसे में उन्होंने मान लीजिए 5,00,000 रुपए का सम अशोर्ड ले लिया और मैच्योरिटी चाहते हैं वो 35 साल की उम्र पे, तो ऐसे में जो यहाँ पे पॉलिसी टर्म हो जाएगा वो 5 साल का हो जाएगा, राइट। और वो यहाँ पे मंथली प्रीमियम पे करना चाहते हैं, तो 5 साल तक जो हर महीने प्रीमियम पे करेंगे वो 8,600 रुपए का होगा, और ये ऑटो डेबिट होगा इनके अकाउंट से। अब हमें यहाँ पे जानना है कि टोटल पेड प्रीमियम कितना हो गया होगा 5 साल में। तो 8,600 में आप 12 का गुणा कीजिए, फिर उसमें आप 5 का गुणा कर दीजिए, तो टोटल पेड प्रीमियम यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो कि 5,16,000 रुपए का हो जाता है। अब बात आती है बोनस की, तो जो बोनस का रेट है वो है 52 रुपए, यानी कि 52 रुपीज पर 1,000 रुपीज ऑफ सम अशोर्ड। या दूसरे शब्दों में कहें तो जो आपने बेस सम अशोर्ड लेंगे उसका 5.2%। तो हमारा यहाँ पे सम अशोर्ड हमने 5,00,000 रुपए का लिया है, तो 5,00,000 का हम 5.2% निकालेंगे तो 26,000 होगा, उसमें हम 5 का गुणा कर देंगे क्योंकि 5 साल तक मिल रहा है, तो 1,30,000 रुपए का होगा। अब हम इस 1,30,000 रुपए में जो हमारा बोनस है, इसमें हम बेस सम अशोर्ड जो कि 5,00,000 का जोड़ देंगे, तो 6,30,000 रुपए का बेनिफिट इनको मिल जाएगा मैच्योरिटी पे। किनको? श्रीमान ए को। मैच्योरिटी पे टैक्स के बेनिफिट अवेलेबल हैं, राइट। प्रीमियम पे करते हैं तो भी टैक्स के बेनिफिट अवेलेबल हैं। अब श्रीमान ये कह रहे हैं, अगर मैं 5,00,000 का ही सम अशोर्ड लेता हूँ, 30 साल की मेरी आयु है, मैं 10 साल का पॉलिसी टर्म ले लूँ, यानी कि 40 साल की उम्र पे अगर मैं मैच्योरिटी बेनिफिट चाहूँ, तो ऐसे में कितना प्रीमियम पे करना होगा? हर महीने 4,200 रुपए प्रीमियम पे करना होगा, तो टोटल पेड प्रीमियम जो होगा वो 5,04,000 रुपए का हो जाएगा। अब देखिए मासिक प्रीमियम हम इस वजह से लेके चल रहे हैं यहाँ, क्योंकि जब पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स वगैरह लोग लेते हैं, तो एक माइंडसेट है कि वो मासिक पे करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब बात आएगी बोनस की, तो 5.2% ही निकालेंगे हम, बेसिक सम अशोर्ड का 10 का गुणा कर देंगे, फिर तो 2,60,000 रुपए का बोनस हो जाएगा, तो मैच्योरिटी बेनिफिट हो जाएगा 7,60,000 रुपए का 40 साल की उम्र पे। अब 15 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, यानी कि 30 साल का इनका एज है, 15 साल का पॉलिसी टर्म है, यानी कि 45 साल की उम्र में मैच्योरिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं 5,00,000 रुपए के ही सम अशोर्ड के लिए, तो हर महीने 2,800 रुपए का प्रीमियम पे करेंगे, यानी कि टोटल प्रीमियम हो गया 5,04,000 रुपए का ही,
ऐसे में जो टोटल बोनस होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 की जगह 15 साल हो गए तो 3,90,000 रुपए का टोटल बोनस होगा। इसमें हम 5,00,000 रुपए जोड़ देंगे तो 8,90,000 रुपए का मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि जैसे जैसे टर्म बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे बोनस बढ़ता जा रहा है। ओके जी, अब श्रीमान ये कह रहे हैं कि मैं मासिक कम से कम अमाउंट पे करना चाहता हूँ, नॉमिनल सा, जो लंबे समय तक प्लान चलता रहे और मेरे पे कोई खास असर भी ना पड़े। तो ऐसे में 30 साल की आयु के साथ में 25 साल का पॉलिसी टर्म लिया गया, यानी कि 55 साल की उम्र पे मैच्योरिटी चाहेंगे। तो 5,00,000 रुपए के सम अशोर्ड के लिए हर महीने 1,600 रुपए का प्रीमियम इन्हें पे करना पड़ेगा। अब ये इजीली डिडक्ट हो सकता है 1,600 रुपए का प्रीमियम, राइट? तो ऐसे में 25 साल में 4,80,000 रुपए का ही ये प्रीमियम पे करेंगे टोटल। जो बोनस होगा वो 5,00,000 का 5.2% निकालेंगे तो 26,000 आएगा, 26 में आप 25 का गुणा कर देंगे तो 6,50,000 रुपए का होगा। तो ऐसे में जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा, बेस सम अशोर्ड में हम बोनस अमाउंट को जोड़ देंगे तो 11,50,000 रुपए का इनको मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने सेम सम अशोर्ड के साथ में सेम एज के साथ में एग्जांपल लिए अलग अलग, तो उस समय अंदाजा हो गया कि कितना फर्क पड़ेगा। बात आती है सरेंडर वैल्यू की, तो पॉलिसी के जो पहले 3 साल हैं उसमें आप सरेंडर नहीं कर सकते हैं, यानी कि पॉलिसी के पहले 3 साल जब कंप्लीट होंगे तभी आप सरेंडर करेंगे और बोनस ऐसे में कैलकुलेट नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, सरेंडर करेंगे तो आपको क्या होगा जी, नुकसान होगा, अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। और अगर पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने के बाद में सरेंडर करेंगे तो बोनस की कैलकुलेशन की जाएगी। सेम चीज लोन पे अप्लाई हो रही है कि पॉलिसी के पहले 3 साल में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि विद इन 3 ईयर्स, तो फिर बोनस नहीं मिलता ऐसे में। और अगर 5 साल कंप्लीट होने पे अगर लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो फिर बोनस मिल सकता है, क्योंकि हमें पता है लोन हमें सरेंडर वैल्यू के ही एक हिस्से पे मिलता है। बात आती है मेडिकल एग्जामिनेशन की, अगर सम अशोर्ड 1,00,000 रुपए तक का है तो कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, लेकिन सम अशोर्ड अगर 1,00,000 रुपए से ज्यादा होगा तो फिर ऐसे में मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी है, उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। ओके, बात आती है फ्री लुकअप पीरियड की, तो 15 दिन का फ्री लुकअप पीरियड आपको मिल जाता है। यही वो पीरियड है जिसके दौरान अगर आपको लगे कि आपको पॉलिसी गलत कुछ बता के दे दी गई है तो अपनी पॉलिसी को आप कैंसिल करा सकते हैं। नॉमिनल से जो अमाउंट होंगे टैक्स वगैरह वो कट जाएगा, बाकी प्रीमियम आपको वापस मिल सकता है। बात आती है ग्रेस पीरियड की, तो 15 दिन का है मासिक मोड के साथ में, अदर मोड के साथ में आपको 30 दिन का मिल जाता है। और ग्रेस पीरियड निकल जाएगा अगर और आपने प्रीमियम नहीं पे किया तो पॉलिसी लैप्स हो सकती है, और ऐसे में अगर अपनी पॉलिसी को आप रिन्यू कराना चाहते हैं तो जो लास्ट डेट है प्रीमियम अनपेड प्रीमियम का, उससे लेके अगले 6 महीने से लेके 12 महीने के अंदर लेट फीस पे करके आप पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब एक चीज आप खुद भी समझें, प्लीज दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं और इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तभी हम आपके लिए एकदम मुफ्त में वीडियो लेकर के आ पाते हैं लगातार, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है। थैंक यू सो मच।